नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल वी स्टार। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं जिस टॉपिक्स पे इस वीडियो में, वो टॉपिक्स है दोस्तों जिन लोगों के पास अपना मोबाइल फ़ोन होता है जो विदेशी होता है, वो लोग घर पे लेके आते हैं अपना मोबाइल और उसमें इंटरनेट का यूज करना और कॉलिंग करना थोड़ा दिक्कत होती है और उसका सेटअप करना बड़ी मुश्किल होता है। तो इसी ट्रिक को लेकर के मैं बात करूँगा और बताऊँगा कि जो भैया लोग विदेशी फ़ोन लेकर के आते हैं अपने इंडिया में अपने घर, तो थोड़ा उन लोगों को परेशानी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं उनसे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, उन सेटिंग्स को कराना चाहूँगा। वो जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ, इस सेटिंग्स को आप लोग कर लेते हैं तो रियली ये वीडियो यूनिक ही है। ये रियली है कि आपका मोबाइल 100% सही हो जाएगा, सही हो सकता है और इंटरनेट भी ज़बरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे अब हम लोग जानेंगे कि कैसे अपने मोबाइल को, मतलब आपका मोबाइल विदेशी है और उसमें इंटरनेट इस्तेमाल करना और कॉलिंग में आपको दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। अगर जिन भाइयों के पास अगर एयरटेल का सिम है, किसी के पास जियो का सिम है और किसी का वोडाफोन आइडिया वीआई आइडिया है, यही तीनों आजकल ब्रांडिंग है चल रहा है अपने यहाँ। अगर जिन भाई एयरटेल यूज करते हैं तो उनको सबसे पहले प्ले स्टोर में आना होगा। प्ले स्टोर में आने के बाद से उनको यहाँ पे सर्च करना है आपको एयरटेल थैंक्स ऐप। देखिए मैंने ये सर्च करके रखा था ऑलरेडी, यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से अब आप इजीली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ये जो लोगो है इस प्रकार से दिखाई दे सकता है, जो मेरा अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे अपडेट का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद से मैं आप लोग का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे इंस्टॉल का, अगर आपके पास नहीं होगा तो निश्चित है कि नहीं होगा, तभी ये दिक्कत आता होगा आपके फ़ोन में, ठीक। और इसी प्रकार से आपका जैसे जियो का सिम हो गया तो यहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों माई जियो ऐप। इसमें आने के बाद से आपको देखिए मेरा ये इंस्टॉल हो रखा है, तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसके अंदर जाना है। और जाने के बाद से करना क्या है आप लोगों को, उसके अंदर जा कर के रजिस्टर कर देना है उस नंबर से जिस नंबर को आप विदेशी फ़ोन में डालना चाहते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपको प्ले स्टोर में अगर वीआई वाले आते हैं, वोडाफोन आइडिया वाले, तो यहाँ पर ऐसा उनको वीआई ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। इस तरह जैसे ही आपको सर्च करेंगे ऐसा, फिर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिला। मैं वीआई का सिम यूज नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो मेरे फ़ोन में ये आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम जैसे ही इसमें इंस्टॉल करने के बाद से जैसे इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद से जैसे इसमें अपना नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे ना, रजिस्टर करने के बाद से आप लोगों को इसमें ये ऑटोमेटिक आपके वॉइस को क्लियर कर देगा, आपके इंटरनेट को सेफ्टी में कर देगा, आपके इंटरनेट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बार इस तरीके को ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मुझे एक बार कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।